नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। मैं दिनेश बेनिवाल। आज बात करेंगे हम शब्द संरचना वर्ड फॉर्मेटिंग अर्थात शब्द संरचना के टाइप नंबर 3। इससे पहले हमने बात की है टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे कुछ क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे इनका जो वेट है या यूँ कहें कि प्रश्न का जो कठिनता है वो बढ़ती जा रही है। तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। टाइप नंबर 3 में एक क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से एक अक्षर हटाने पर नया शब्द बन जाए। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से एक अक्षर हटा दें तो एक नया शब्द बन जाए। अब वो अक्षर सेम कौन सा है, मतलब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे सभी में वो एक सेम अक्षर होगा जो सभी में से हट जाए और सभी की मीनिंग्स है वो चेंज हो जाए। ये इसका कहने का अर्थ है। जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो आंसर भी समझ में आ जाता है कि आंसर किस तरीके से होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, एक मिनट के लिए हम कर लेते हैं ऊपर देखते हैं। दिए गए शब्दों में से एक अक्षर हटाने पर एक नया शब्द बन जाए। अब वो शब्द क्या होगा कि वो हम हटाएं तो एक नया शब्द बन जाए। सबसे पहले हमारे पास आर ऑप्शन है। ए का जो डिटेल्स है वो है आर की, क्या है आर की है। तो हम आर को देखते हैं, आर हम देखते हैं एम आई एन के में आर नहीं है, अर्थात आर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए शब्दों में से एक अक्षर हटाने पर नया शब्द बन जाए। अब इसमें आर नहीं है, इसमें भी आर नहीं है और इसमें भी आर नहीं है, जबकि आर हमारे पास इसमें है, किसमें डब्ल्यू ए आर एम बाम, इसमें आर है बाकी में आर नहीं है। अर्थात यहां पर आर हटाएंगे तो इसकी मीनिंग तो परिवर्तन हो सकती है, बट हम देखते हैं कि बाकी में आर नहीं है तो इनकी मीनिंग चेंज नहीं हो सकती। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ए को देखते हैं एम आई एन के में भी क्या ए नहीं है, तो यहां पे भी ऑप्शन बी राइट नहीं हो सकता। आगे चलते हैं सी में भी हम देखते हैं कि एम आई एन के में एल नहीं है, बाकी एल एम पी में एल है, टी एम टीम में एल नहीं है, डब्ल्यू आर एम में भी एम एल अक्षर नहीं है, अर्थात हमारा आंसर एल भी सी भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं डी में हम देखते हैं कि एम डी के अंदर क्या दे रखा है, एम अक्षर दे रखा है, जबकि हम एम आई एन के में देखते हैं तो एम है। फिर हम एल एम पी में देखते हैं तो यहाँ पे एम है, फिर आगे टी एम में जाते हैं तो यहाँ पे भी एम है, अर्थात हम पाते हैं कि सभी में एम एम है और यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी एम है। तो हम चांसेस लगा सकते हैं कि हमारे ए ऑप्शन भी गलत था, बी ऑप्शन भी गलत था, सी ऑप्शन भी गलत था और डी ऑप्शन में एम मिला है, तो हमारा समथिंग आंसर राइट है। लेकिन कई दफा हमें जब हम RRB का एग्जाम देते हैं तो वहां पे 5 ऑप्शन मिलते हैं, या यूं कहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे 5 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न मिलता है ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, उस टाइम हम क्या करें, उसके लिए हमें देखना होगा, उस टाइम के लिए हमें देखना होगा कि किस तरीके से चेंजिंग करना है। हम अगर इस वर्ड्स में एम को हटाते हैं तो आई एन के इन यानी स्याही, क्लियर, इंक एम को हटाते हैं तो आई एन के इंक हो जाता है, इंक का मतलब होता है स्याही। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
और आगे देखते हैं एल ए पी, क्या देखते हैं एल ए पी लेप, लेप में तो देखते हैं गोद, इसका अर्थ एल ए पी का मतलब होता है गोद। फिर हम आगे देखते हैं, अगर यहां पे एल ए एम पी में एम हटा देते हैं तो एल ए पी बचता है, एल ए पी का मतलब होता है गोद। और फिर हम टी एम में जाते हैं तो टी ई ए का मीनिंग्स होता है चाय। फिर उसी तरीके से हम आगे जाते हैं डब्ल्यू आर एम, डब्ल्यू ए आर अगर हम को हटा देते हैं तो बचता है डब्ल्यू ए आर, वार यानी युद्ध। तो हम पाते हैं कि हमारा ऑप्शन डी राइट है, क्लियर। अगर ऑप्शन ई भी, कई दफा हम कुछ एग्जाम में जाते हैं तो वहां पांच हमें क्या मिलते हैं, पांच ऑप्शन मिलते हैं। पांच ऑप्शन जब मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जांच कर लेनी चाहिए कि क्या किस तरीके से होगा। तो हमने जांच किया तो एम हटा दिया, आई एन के बच गया, अंक का मतलब होता है स्याही, ठीक है। और फिर हम एल एम पी में एम को हटा देते हैं, एल ए पी का मतलब होता है गोद। टी एम टीम, टी एम में अगर हम एम को हटा देते हैं बचता है टी ए, टी ए का मतलब होता है चाय। और डब्ल्यू आर एम में अगर हम एम हटा देते हैं तो डब्ल्यू आर वार यानी युद्ध, अर्थात वो कौन सा अक्षर होगा, वो होगा एम, अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। और अगर प्रश्न में चार ही ऑप्शन हो और पांच ऑप्शन नहीं हो तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी पता लग जाता है कि किस तरीके से आंसर, क्योंकि आर सभी में नहीं था, ए सभी में नहीं था और एल सभी में नहीं था, तो सभी में क्या था एम था, तो राइट आंसर क्या होगा एम। इस तरीके से हमें कर लेना है। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट, जिन स्टूडेंटों को स्क्रीनशॉट लेना है उसके लिए मैं फॉलो कर देता हूं। ले सकते हैं, देख सकते हैं, अब हम चलते हैं टाइप नंबर फोर। टाइप नंबर थ्री में इस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो एग्जामों में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं टाइप थर्ड फोर्थ और फाइव जो टाइप है उसी से पूछे जाते हैं। वैसे टाइप नंबर एक और टाइप नंबर टू भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर चार, टाइप नंबर चार में हम देख रहे हैं एक सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्था है, निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था है। अब यहां पे कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं, और वो शब्द क्या है डी ई ए D-E-A-T-H, death यानी मृत्यु, marriage, विवाह, education, शिक्षा, birth, जन्म, और F-U-N-E-R-L, funeral यानी अंतिम संस्कार। ये कुछ वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को किस प्रकार से सज्जित करना है कि एक क्रम हो इनका, क्या एक क्रम हो, कि जैसे कि जन्म, जन्म जब हम लेते हैं सबसे पहले हमारा क्या होता है जन्म होता है, उसके बाद जो आगे क्रिया होती है उसको एक क्रम निर्धारित दिया जाता है, जैसे कि एक आता है पहले संख्या, फिर दो आते हैं, फिर तीन आता है, फिर चार आता है, फिर पांच आता है, जब हम गणितीय संख्याओं की बात करते हैं। तो इसी प्रकार का हर जो शब्द है, जो क्रियाएं हैं, उनका एक निश्चित क्रम होता है। तो वही चीज हम यहां पे समझेंगे किस तरीके से करना है।
उस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होगा। जन्म, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जन्म के बाद। सीधा विवाह हो नहीं सकता, मृत्यु हो नहीं सकती, अंतिम संस्कार हो नहीं सकता, तो शिक्षा लेंगे। शिक्षा का जो कर्म है वो है तीन। उसके बाद बात करें, शिक्षा के बाद होता है विवाह। उसके बाद बात करें, विवाह के बाद होता है मृत्यु। एक क्रम है, जन्म लिया, जन्म लेके शिक्षा भी लेता है, शिक्षा लेके फिर वो विवाह करता है, विवाह करने के बाद जो आगे की क्रियाएं उसमें नहीं दी गई है तो एक एज होने पर उसकी डेथ होती है, मृत्यु। और उसके बाद बात करें हम मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। ये शब्द है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कर्म आया है, ये कर्म किस प्रकार या किस ऑप्शंस में है। चार, सबसे पहले हम चार देखते हैं। तो स्टार्टिंग में ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर हम देखते हैं बी, चार तीन दो एक नहीं आया, यहाँ पे पांच आया, तो यहाँ पे भी क्या है, पांच आया, जबकि यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, चार तीन दो एक पांच, अर्थात ये भी गलत है। फिर हम डी को देखते हैं तो डी में चार दो आ गया, तो ये भी गलत है। और चार तीन दो एक पांच, तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा सी। क्लियर, इस तरीके से हमें करना है। जो स्टूडेंट इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें सिर्फ एक क्रम निर्धारण करना है। वो क्रम निर्धारण करने के बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जन्म होगा जन्म के बाद शिक्षा लेगा, शिक्षा के बाद विवाह होगी, विवाह के बाद मृत्यु, और फिर अंतिम संस्कार। इस तरीके से है ये। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है उसी प्रकार का। एक सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है, व्यवस्था है, व्यवस्थित करना है। और निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं वो है, एक नंबर पर है पुलिस, दूसरे पर है सजा, तीसरे पर है जज, चार पर है जुर्म, और पांच पर है फैसला। पांच शब्द दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, उनमें इनके क्रम लिखे गए हैं। तो हम सबसे पहले वो चीज समझेंगे कि होता क्या है। पहले पहले पुलिस आती है, पहले जुर्म होता है, या पहले जज होता है, जज फैसला करता है, या वो चीजें हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले होता है जुर्म। क्या होता है, जुर्म। फिर आती है पुलिस। उसके बाद बात करें पुलिस के बाद
जब पुलिस आती है, पुलिस को चोर पकड़ के ले जाती है और पुलिस को वो पहले जुर्म होता है, जुर्म के बाद पुलिस आती है और चोर को पकड़ के ले जाती है और चोर को कहाँ ले जाती है, जेल में कुछ समय के लिए बंद करती है 24 घंटे के लिए। बंद करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होता है, यानी जज के सामने पेश करना होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जेल शब्द नहीं है, बंद कर जहाँ उसको थाने में बंद करते हैं वो शब्द नहीं है, सीधा शब्द दिया गया है जज। तो फिर कहाँ ले जाएंगे पुलिस वाले, जज। उसके बाद नेक्स्ट जो शब्द आ रहा है वो आएगा कि जज है जो फैसला सुनाएगा। क्या सुनाएगा? फैसला। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फैसला के बाद, तो बात करेंगे हम दो की, क्या होगा? सजा। तो जो हमारा एक कर्म होगा वो होगा क्या, इधर देखते हैं, 4, 1, 3, 5, 2, ये हमारा कर्म होगा इस पर्सन में। पहले जुर्म होता है, फिर पुलिस आती है, पुलिस जज के पास ले जाती है, जज के पास ले जाने पर फैसला होता है, फैसले होने पर सजा मिल जाती है, राइट। अब हम यहां पे देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया ये कौन से में है, 4, 1, 3, 2, 5, जबकि हमारा 5, 2 है, तो ए ऑप्शन भी क्या है, गलत है। बी ऑप्शन में देखते हैं, 4, 1, 3, 5, 2 हमारा राइट आंसर है बी। तो यहां पे आंसर में हम क्या रख देंगे, बी। कैसे? क्योंकि जो हमारे क्रम था, पहले जुर्म होता है, फिर पुलिस आती है, फिर जज के पास ले जाते हैं, जज फैसला करता है और उसको सजा हो जाती है, वो एक बात है। यहां पे पूरी डिटेल्स दी गई है, उसको हमने निकाल लिया है। 4 आया है बी में, फिर आया है 1, फिर आया है 3, फिर आया है 5, फिर आया 2, हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज ये जो पर्सन है ये आज के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट जो स्टूडेंट इसको उतारना चाहते हैं प्रश्न को, या स्क्रीनशॉट अपने अकॉर्डिंग जो भी है लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज का जो समय है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से डाले जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं। गलती करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर पांच में क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्षरों आर ए सी एस से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर दिए गए हैं। जब भी टाइप नंबर पांच से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एग्जाम में, तो क्या होता है कि या तो 3 अक्षर होंगे, या 4 अक्षर होंगे, या 5 अक्षर होंगे, इससे ज्यादा अक्षर बहुत कम देते हैं। क्योंकि जब अगर ज्यादा अक्षर दे जाते हैं तो ज्यादा ही अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि या तो 3 अक्षर देंगे, या 4 अक्षर देंगे, या 5 अक्षर देंगे। अधिकतर एग्जामों में अगर मिलेगा तो हमें 4 ही अक्षर मिलते हैं, और 4 अक्षरों को हम आगे पीछे करके और अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, एक शब्द को एक बार ही करना है और उस शब्द में सभी अक्षर
उस शब्द में सभी अक्षरों का प्रयोग होना जरूरी है, लेकिन एक अक्षर का प्रयोग एक बार ही और सभी अक्षरों का प्रयोग हो, यह शर्त है। अगर ऐसा होता है तो सीमित ही अक्षर दिए जाते हैं, और जब सीमित अक्षर दिए जाते हैं तो सीमित ही अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। वही चीज हम यहां पे समझेंगे। RACS ये हमारे सामने वर्ड्स हैं और इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या कोई नहीं। अब हमें आंसर निकालना है कि हमारा आंसर किस तरीके से निकले। चार वर्ड्स हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि ये जो अक्षर हैं इन अक्षरों को हम इस तरीके से चेंज करें या फिर इनको इस तरीके से चेंज करें या फिर इसको यहां से चेंज करें। एक बार मोटे तौर पर हम समझते हैं इसको। RACS ये वर्ड्स है और इस वर्ड्स में चार अक्षर हैं और चार अक्षरों को हम किसी भी तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ऐसे भी हो सकते हैं ये एक दूसरे का स्थान परिवर्तन, लेकिन अक्षरों का क्या करना है, स्थान परिवर्तन करना है, कैसे भी करना है, और हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अगर बनते हैं तो ठीक है और नहीं बनते हैं तो उस तरीके से हमारे ऑप्शंस में जो कुछ दिया गया है, एक अर्थपूर्ण एक शब्द बनता है, दो शब्द बनता है, तीन बनता है या कोई बनता ही नहीं है। कई कई दफा ये भी पूछ बोल देते हैं कि तीन से अधिक, 1, 2, 3 या 3 से अधिक, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शंस में। तो वही चीज हमें फॉलो करनी है, तो उस चीज को हम फॉलो करते हैं तो पाते हैं, तो यहां पे चेंज करके देखते हैं। RACS से तो कुछ शब्द बन नहीं रहा, हम ARCS शब्द अगर यूज करते हैं तब एक हमें अर्थपूर्ण शब्द दिखाई पड़ता है, हमें एक अर्थपूर्ण शब्द दिखाई पड़ता है और वो अर्थपूर्ण शब्द क्या है, आर्क्स, अर्थात इसका जो अभिप्राय होगा वो एक गुमद जैसा जो आकृति होती है उससे संबंधित होता है। क्लियर? तो RACS को अगर हम इन शब्दों को हम एडजस्ट करते हैं एक अर्थपूर्ण शब्द प्रकट करने के लिए, तो किस तरीके से करेंगे हम, ARCS आर्क्स, तो एक वर्ड तो हमारा बन गया है। क्या? एक वर्ड तो हमारा बन गया है। अब हम आगे देखते हैं और पाते हैं दूसरा वर्ड्स बनाते हैं, SCAR SCAR जब हम SCAR को देखते हैं तो इसका एक अर्थपूर्ण शब्द दिखाई देता है, चोट का निशान। क्या दिखाई देता है? चोट का
निशान, और दूसरा वर्ड्स तीसरा वर्ड्स निकालते हैं तो हम पाते हैं यहां पे सी ए आर एस का जो अर्थ होगा वो होगा कारों। तो आर ए सी एस शब्द के सभी अक्षर प्रयोग में हुए हैं, और हम आगे करना चाहते हैं तो कोई एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलता है। तो हमारे अर्थपूर्ण शब्द कितने निकल रहे हैं? तीन। और तीनों का क्या है? ए आर सी एस आर्क्स, ठीक है। फिर है एस सी ए आर यानी कि चोट का निशान, और सी ए आर एस कार्स यानी कारों। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा सी, तीन। इस तरीके से हमें आंसर निकालना है, बहुत इजी है। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट अपने स्तर से स्क्रीनशॉट या उतारना चाहते हैं वो उतार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज हमारे ये टॉपिक्स शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द है जो हमारा टॉपिक्स था रीजनिंग का, ये ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे और बात करेंगे। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।